क्लास एट मैथ्स चैप्टर एट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट कहता है अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अच्छा इन क्वेश्चंस को ना बेटा बड़ा ध्यान से बेसिक समझना इनके, एक बार बेसिक समझ में आ जाएंगे सब एक जैसे ही हैं, ये सिर्फ सीन बदल देते हैं, ये स्टेटमेंट बदल देते हैं, बाकी सब वही है। तो क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है, देखना अ मैन गोट ए 10% इंक्रीज, कोई आदमी है उसको 10% उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, जितनी भी थी उससे 10% बढ़ जाती है और उसकी फिर न्यू जो सैलरी है वो हो जाती है, न्यू सैलरी उसने दे दी इतनी है, ओरिजिनल पूछ रहा है तो ओरिजिनल को एक्स मान लेंगे, ओरिजिनल एक्स थी पहले उसको एक्स मिलती थी, अब क्या हुआ उसकी सैलरी इंक्रीज हुई यानी एक्स से कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी यानी प्लस होगा, कितना प्लस होगा 10%, परसेंट हमेशा किसी ना किसी का होता है, किसका 10% इसी ओरिजिनल सैलरी का यानी 10% ऑफ एक्स, तो उसकी एक्स प्रेजेंट उसकी एक्स पहले ओरिजिनल सैलरी थी फिर उसका 10% एक्स का उसका इंक्रीज यानी बढ़ गया है और उसकी जो है न्यू सैलरी बन जाती है, न्यू सैलरी। ये है पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में ये है, इसे अच्छी तरह से लिखेंगे कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, लेट ओरिजिनल सैलरी भी रुपीज एक्स, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कितना हो गया 10% ऑफ एक्स, देयरफॉर एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू न्यू सैलरी एंड एक्स प्लस 10% को कैसे लिखेंगे मैथ में 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू न्यू सैलरी दे रखी है 1,54,000। सिंप्लीफाई कर दे, जीरो से कैंसिल जीरो, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 1,54,000। इधर प्लस करेंगे इन्हें, प्लस करते हुए हमेशा वही बचपन की क्लासे शुरू की क्लासे याद रखो, एलसीएम लेना कुछ नहीं अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम हो गया 1 और 10 का 10, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स इक्वल टू 1,54,000, 10x प्लस एक्स 11x अपॉन 10 इक्वल टू 1,54,000, एक्स की वैल्यू निकालनी है 1,54,000 इंटू में 10 अपॉन 11, तो ये क्या हो जाएगा देखना, एक्स ओरिजिनल सैलरी कितनी थी कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई 1,40,000, देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी वाज रुपीज 1,40,000, ये स्टेटमेंट है। दोबारा समझो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, किसी को उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट मिल जाता है और उसकी न्यू सैलरी इतनी हो जाती है, पुरानी ओरिजिनल पूछता है, ओरिजिनल को हमने एक्स मान लिया उस पर 10%
इंक्रीज किया तो न्यू सैलरी हुई, सबकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ऑन मंडे 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ध्यान से देखना, समझो, संडे को 845 लोग गए जू में, चिड़ियाघर गए 845 लोग देखने। संडे छुट्टी थी, ज्यादा गए, अगले दिन मंडे छुट्टी तो थी नहीं, तो बहुत कम लोग, 169 पीपल ओनली वो गए। कहता कितना परसेंट डिक्रीज हुआ मंडे को, कितना डिक्रीज हुआ, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखना। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे 845, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन, सॉरी ये संडे है, ऊपर संडे ऑन मंडे, मंडे को कितने गए 169। अब नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, कितने लोग कम हुए 845 माइनस 169, माइनस करेंगे 676 डिक्रीज हुए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू नंबर ऑफ डिक्रीज पर्सन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन ऑन मंडे, किसके कंपैरिजन में निकालना, सॉरी संडे के कंपैरिजन में निकालना, संडे मल्टीप्लाई 100, इस तरह से परसेंटेज हम निकालेंगे। तो 676 अपॉन कितने गए थे संडे को 845 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 5 से कर दो, 5 2 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 4 से करके देखते हैं, 169 को 4 से मल्टीप्लाई, सही है, 4 से 169 4 जा 676, 4 × 20 80%, कितना डिक्रीज हुआ 80%। कैसे निकाला दोबारा देखो, संडे को जो गए थे लिखा, मंडे को गए थे वो लिखा, कितने कम गए माइनस कर लिया 676, परसेंटेज निकालना है तो जितने कम गए थे 6 वो ऊपर, संडे वाला नीचे, मल्टीप्लाई में 100, और सोल्व कर दिया आपका डिक्रीज परसेंटेज आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थर्ड, एक शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल फॉर रुपीज, ए शॉपकीपर
buys 80 articles. ₹2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Find the selling price of one article. देखना क्वेश्चन समझो. शॉपकीपर buys 80 आर्टिकल. एक शॉपकीपर खरीदता 80 कोई चीज, कोई सामान है 80, जैसे 80 पेन या कोई भी 80 चीज, कितने में? ₹2400 में. एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और 16% के प्रॉफिट पे बेच देता है. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालो. तो देखो सॉल्यूशन, पहले कॉस्ट प्राइस, खरीदता है उसको कॉस्ट प्राइस लिखते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹2400. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट प्राइस होगा? 2400 अपॉन 80. 80 अगर इतने में खरीदे तो एक कितने में? डिवाइड बाय 80, कैंसिल, 30 रुपीज, ₹30 में खरीदा है एक. प्रॉफिट 16%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है? सेलिंग प्राइस का है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस तो दे दिया 30, प्रॉफिट कैसे? ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट कैसे? 16 अपॉन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी 30 और मल्टीप्लाई 100, इस तरह से आपका प्रॉफिट निकलेगा. तो सोल्व करेंगे 30, 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30, 16%, तो 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30, जीरो से कैंसिल, जीरो, 30 प्लस 16 थी 48 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 4.8 यानी ₹34.80. रुपीज होते तो दो डिजिट लिख देते हैं, यानी 34 रुपीज 80 पैसे, ₹34.80. क्वेश्चन फोर्थ, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500. फिर आगे कहता है कि ₹4,450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स. इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, इफ इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ध्यान से समझना बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? अगर पीछे वाला हम याद करें, एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी, कॉस्ट प्राइस आगे थी उसकी पिछले क्वेश्चन में,
2400 अपॉन 80 30 रुपीज आ गई थी, है ना, रुपीज 30। पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। फिर प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी उसके पास, 16%। कैसे निकाली थी, 16 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस यानी 30, ऐसे करके, तो 4.80 रुपए। और सेलिंग प्राइस कैसे आया था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 30 प्लस ये, तो 30 प्लस में 4.80 कर लिया था, 34.80 इतना ये आंसर आ गया था। अब ये भी क्वेश्चन यही है, कोई फर्क नहीं है, मैंने बताया था सब सेम होते हैं, सीन चेंज कर देते हैं। अब इसका सीन क्या है कि कॉस्ट एक आर्टिकल, कोई चीज आपने खरीद ली, जैसे आपने कोई पुरानी स्कूटी खरीद ली है 15,500 में, पर वो थोड़ी सी खराब थी, उसके ब्रेक व्रेक ठीक करवाए आपने 450 रुपीज में, उसको खर्च कर दिए, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ा उस पर, दिस प्लस दिस आपको इतने की पड़ी। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना खर्चा हुआ है, ये और ये दोनों प्लस करके इतना हुआ है। आपको 15% प्रॉफिट चाहिए तो आपको इसका इस दोनों को प्लस करके इसके ऊपर 15% निकालना है, फिर उन्हें ऐड करके आपके सेलिंग प्राइस आ जाएगा सेम ऐसे ही। देखो मैं करके बताता हूं, कॉस्ट प्राइस रुपीज 15,500, स्पेंट ऑन रिपेयर रुपीज स्पेंट ऑन रिपेयर रुपीज 450, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ये ध्यान रखना, ये सॉल्व करना तुम्हें, सीधा इसी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, आपका ये भी खर्च हुआ है 15,500 प्लस 450, तो 15,950 रुपीज ये आपके खर्च हुए हैं। आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आपने पहले हिसाब लगा लिया कि भाई 15% तो चाहिए है प्रॉफिट परसेंटेज, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देखना, 15 upon 100 multiply 15950, जीरो से कैंसिल जीरो, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 1595 multiply 15, ₹23,925 upon 10 = ₹23,925 इतना उसे प्रॉफिट चाहिए। देयरफॉर सेलिंग प्राइस, अब उसे कितने में बेचेगा, कितने पैसे खर्च किए थे इतने, कितना प्रॉफिट चाहिए ये, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 15950 प्लस 2392.50 तो 05951 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा रुपीज 18,342.50, ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छी तरह से, खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, ए वीसीआर एंड ए टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 each, कह रहा है जो है वीसीआर खरीदा कितने में, ₹8,000 में, और ये कह रहा है एक टीवी भी खरीदा वो भी ₹8,000 में ही खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है वीसीआर की और टीवी की। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर, वीसीआर को जब वो बेचता है तो उस पर लॉस हो जाता है उसे 4% का, एंड प्रॉफिट 8% ऑन टीवी, लेकिन टीवी को बेचने में उसे प्रॉफिट होता है,
कितने का? 8% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन, पूछा टोटल का जो गेन है, गेन फायदा या फिर लॉस क्या हुआ उसकी परसेंटेज वो पूछ रहा है, गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो भी हुआ टोटल ट्रांजेक्शन पे। तो पहले वीसीआर का निकालते हैं, वीसीआर के केस में कॉस्ट प्राइस रुपीज 8000, लॉस परसेंट 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 8000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 320। देयरफॉर सेलिंग प्राइस, आप देखो प्रॉफिट होता तो ये ऐड हो जाता, लॉस हुआ है तो माइनस होगा। 8000 रुपए का खरीदा, 320 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो कितने में बेचोगे? 8000 माइनस 320 यानी 7680 रुपीज में आप इसे बेचोगे, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ऐसे ही अब टीवी के बारे में बात कर लेते हैं। टीवी कॉस्ट प्राइस तो वही रुपीज 8000, लेकिन अब प्रॉफिट कितना हुआ देखना, प्रॉफिट 8% है तो 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 8000, दो जीरो से दो जीरो, 640 रुपीज का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 8000 प्लस 640 रुपीज उसने टोटल पूछा है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 8000 प्लस 8000 यानी रुपीज 16000 टोटल हो। 16000 में एक टीवी एक वीसीआर लेके आया, टोटल सेलिंग प्राइस फिर उसने 7680 प्लस 8640 इतने में उन्हें बेच दिया, ये दोनों प्लस हो गए, कितने 16320 बने। प्लस करके देखो एक मिनट, 00 ठीक है, 8 और 4 12, 2 1, 6 और 1 7 और 6 13 3 1, 8 और 8 16 ठीक है। यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ये ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, इसलिए देयरफॉर प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 20 माइनस 16000 यानी 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट अपॉन टोटल कितने पैसे खर्चे हैं, कॉस्ट प्राइस टोटल 16000 मल्टीप्लाई 100 पर प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जीरो से कैंसिल जीरो, टू जीरो से टू जीरो, 16 1 16 2 यानी 2%। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2%, यही आपका आंसर है। दोबारा देख लो, वीसीआर खरीदा 8000 का, टीवी खरीदा 8000, वीसीआर को लॉस पे उसे बेचना पड़ा, कोई ले नहीं रहा था तो उसने 4% लॉस पे उसे बेच दिया, टीवी को कई लोग ले रहे थे तो 8% प्रॉफिट में बेच दिया। पूछ रहा है फायदा हुआ नुकसान हुआ टोटल, तो वीसीआर के केस में कॉस्ट प्राइस लॉस आया 320 का, 4% निकाल लिया, 4/100 मल्टीप्लाई 8000 320 माइनस कर दिया, 7680 में उसे सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। टीवी के केस में 8000 था 8% प्रॉफिट, 640 लेके प्लस करके 8640 में सोल्ड आउट कर दिया। टोटल कितने रुपए उसने यूज किए? 8000 प्लस 8000 16000। कितने अर्न किए? 7680 प्लस 8640 1620 320। कितने का प्रॉफिट हुआ? 320 का। कितना परसेंट है? 320 अपॉन 16000 मल्टीप्लाई 100 2% है, तो ये आपका प्रॉफिट इस तरह से आ जाता है। क्वेश्चन सिक्स में कहता है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। सेल लगी हुई है, सेल में एक शॉप ने लिख दिया कि सब चीजों पे 10% का डिस्काउंट है, यानी जो भी उस पे रेट लिखा हुआ है उसका 10% निकालो, माइनस कर देंगे और फिर आपको देंगे,
तो ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे? ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जब आप कोई भी चीज उठाते हो कहीं भी शॉप पे, तो उस पर एक टैग लगा होता है। टैग पे कुछ रेट लिखा, जैसे 8000 हो गया, तो 8000 का 10% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें वो आपको मिल जाएगी। ये सीन है, ठीक है ना। अब क्या है, आगे कहता है, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। एक कस्टमर गया और उसने खरीदी क्या? पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ए रुपीज, जिसके ऊपर मार्क्ड प्राइस क्या लिखा हुआ था? ₹1450 लिखा था। एंड टू शर्ट्स जिनके ऊपर मार्क्ड प्राइस था ₹850 ईच। मतलब एक शर्ट पे 850 था और दूसरी पे भी 850 थे, तो प्लस में ₹850, तो टोटल हो गया आपके पास शर्ट्स का मार्क प्राइस हो गया 850 प्लस 8 ₹1700। अच्छा ध्यान से समझना बेटा, पेयर ऑफ जीन्स में ये एक ही जीन्स है, एक जीन को ही पेयर ऑफ जीन्स कहते हैं। एक्चुअली उसमें ऐसे ये दो पैर होते हैं ना, तो इसलिए इसको पेयर ऑफ जीन्स कह दिया। कोई अजीब लॉजिक है, शर्ट में भी तो दो हाथ होते हैं, लेकिन शर्ट को पेयर ऑफ शर्ट्स नहीं कहते, शर्ट अकेली शर्ट है। इसने टू शर्ट का है, तो दो शर्ट खरीदी आपने और एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदी है। एक पेयर ऑफ जीन्स यानी एक ही जीन्स है, वो 1450 लिखा हुआ है। दो शर्ट, एक शर्ट 850 के, तो दोनों कितनी होगी? 850 प्लस 850 1700, 10% डिस्काउंट। तो आप क्या कर सकते हो, क्या पूछा उसने? कह रहा कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, इसका 10% निकालो, इसमें से माइनस कर दो, इनका 10% निकालो, इनमें से माइनस कर दो फिर, ठीक है ना। या फिर आप टोटल मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हो, टोटल मार्क्ड प्राइस दिस प्लस दिस एक साथ जोड़ लो उन्हें, और फिर एक साथ ही उनका 10% निकाल दो, 05 3150 डिस्काउंट 10% ऑफ 3150, यानी 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3150, 0 से 0, 0 से 0, ₹315 तो अब क्या उसे पे करना पड़ेगा? What would customer have to pay? Therefore, customer have to pay equal to, उसे पहले कितने देने थे? जितना उन पे प्रिंट लिखा होता 3150, जो भी उसने एक जीन्स और दो शर्ट खरीदे उनके ऊपर इतना टोटल लिखा हुआ था, लेकिन उसका 10% निकाल लिया, कितना? ₹315 माइनस कर देंगे। तो देखो 3150 माइनस 10 माइनस 5 5 4 माइनस 1 3 11 माइनस 3 8 और 2, तो ₹2835 ये आपको पे करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल चीजें हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि कहाँ काम आती हैं सर ये चीजें मैथ, तो ये वाला मैथ प्रैक्टिकल ही है। आप कहीं शॉप पे जाते हो, आपको कहता है जी 20% डिस्काउंट है, ठीक है, और आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ निकालना आता नहीं है, और वो 10-15-16 कुछ परसेंट निकाल के आपको किसी भी रेट पे दे देगा, तो आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये चीजें सोल्व करनी आती हैं तो। क्वेश्चन सेवंथ में देखना, एक मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बुफेलो। एक मिल्कमैन है, क्वेश्चन समझो, मिल्कमैन मतलब दूध वाले के पास दो बुफेलो है, और एक को हम लिख लेते हैं समझने के लिए बुफेलो 1, और दूसरी को लिख लेते हैं बुफेलो 2। दोनों का जो सोल्ड उसने बेच दिए 20,000 में, तो
तो सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना था? 20,000। देखो लिखा 20,000 ईच, दोनों को 20,000 में उसने बेच दिया। लेकिन ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, एक पे उसे 5% का फायदा हुआ, 5% गेन। एंड ऑन अदर लॉस ऑफ, और दूसरी पे 10% का लॉस हुआ। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, टोटल गेन या टोटल लॉस निकालना है। बिल्कुल पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, टोटल गेन टोटल लॉस दो चीजें थी, टीवी और वीसीआर। उसमें आपको टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना था, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, फिर माइनस करके तो पता लगता है कि गेन है या लॉस है। अब यहां टोटल सेलिंग प्राइस तो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 40,000 आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो कॉस्ट प्राइस कैसे, सेलिंग प्राइस पता है, गेन या लॉस पता है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सोल्व करके अभी बताते हैं कैसे आएगा। लेकिन चीज समझना, कई बच्चे सोचते हैं सेम रेट पे तो बेची है, फिर एक पे फायदा एक पे नुकसान कैसे? खरीदी अलग अलग रेट पे होंगी ना बेटा, एक जो फैलो वो किसी और रेट पे खरीदी होगी। जैसे ये मान लो सपोज 18,000 में खरीदी, 20 में बेच दी तो फायदा हो गया, और ये वो शायद 25,000 में खरीद के लाया होगा, 20,000 में बेच दी तो नुकसान हो गया। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस दोनों के अलग अलग होंगे, इसलिए गेन और लॉस हुआ है। तो फर्स्ट केस देखते हैं, बुफेलो फर्स्ट के केस में, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन हुआ है तो प्रॉफिट, गेन हुआ है तो प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 20,000, कॉस्ट प्राइस कितना एक्स, प्रॉफिट कितना 5%, तो 5/100 × x ये प्रॉफिट है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 5 1 5 2 0, तो 20,000 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 20, प्लस कर लेंगे इसे एलसीएम लेके 1, तो 20,000 इक्वल टू एलसीएम 20, ये ऊपर 20x प्लस एक्स, तो 20,000 इक्वल टू 21x अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये उधर, तो 20,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन ये नीचे 21 इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा फर्स्ट बफेलो का 2 2 4, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 अपॉन 21 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब बफेलो 2 का इसी तरह से देख लेते हैं, इसका लेट कॉस्ट प्राइस भी इसका वाई ले लेते हैं, इसमें सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, लॉस को माइनस करते हैं हमेशा। तो एक मिनट, तो सेलिंग प्राइस कितना आपका 20,000, कॉस्ट प्राइस कितना लिया है वाई, माइनस लॉस कितना था 10%, तो 10/100 × y, ये तो अब आपको सोल्व करना आ गया होगा, जीरो से कैंसिल जीरो, तो 20,000 इक्वल टू y माइनस y अपॉन 10, तो 20,000 एलसीएम 10 10y माइनस y, तो ये हो जाएगा 20,000 इक्वल टू 9y अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई यही कर रहा हूं अभी, 20,000 इंटू 10 अपॉन 9 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपॉन 9, ये कॉस्ट प्राइस है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, देखते हैं टोटल, देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस, पहले का कॉस्ट प्राइस कितना आया था 4 अपॉन 21,
प्लस दूसरे का कॉस्ट प्राइस अपॉन 9। सोल्व करें, एलसीएम लेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और आपस में मल्टीप्लाई कर ले, काफी लंबा हो जाएगा। पॉइंट में निकाल के देखते हैं, एक मिनट। डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई और इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, दोनों को ज्वाइन कर लिया तो ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस 20,000 में उसने सोल्ड आउट किया था, तो 20,000 प्लस 20,000 यानी 40,000। अब कौन सा बड़ा है, टोटल कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस, ये बड़ा है कॉस्ट प्राइस 41,000 है। हेयर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब देखो तुमने खरीदा ज्यादा में बेचा कम, तो क्या हुआ, देयरफॉर लॉस हुआ, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस है 41,269.84, सेलिंग प्राइस क्या है 40,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48.9621 12,000। तो 41,269.84 माइनस 40,000 तो आ गया रुपीज कितना 1,269.84। अब लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस यानी 1,269.84 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस 41,269.84 मल्टीप्लाई 100, इस तरह से लॉस निकलेगा। तो पॉइंट से कैंसिल पॉइंट, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 1,269.84 अपॉन 41,269.84 तो ये रुपीज, ये अभी परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज कितना आएगा इसे कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। यस सर, हाँ देखो लॉस, लॉस पूछे तो यहीं तक निकाल दो, अगर क्वेश्चन में लॉस परसेंट पूछे तो लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो लगभग ये 3% 3.077% यानी अप्रोक्स 3% ही आंसर आ जाएगा आपका लॉस। क्वेश्चन में उसने सिर्फ लॉस पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है लॉस या गेन, तो लॉस हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा, और कितना लॉस हुआ है 1,269.84 रुपीज का उसको नुकसान हुआ, दोनों बुफेलोज को जो है मिल्कमैन को खरीदने और बेचने में। क्वेश्चन 8, द प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज 13,000। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है रुपीज 13,000। द सेल्स टैक्स चार्जेस ऑन इट इज एट रेट ऑफ 12%, टैक्स 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, अमाउंट पेड। देखना बेटा ध्यान से, आप कोई चीज खरीदने गए, जैसे टीवी खरीदने गए मार्केट में, आपने देखा उसकी कॉस्ट लिखी हुई थी 13,000। ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई भी चीज खरीदने जाओगे तब ये चीज यूज होगी, 13,000। आप 13,000 निकाल के शॉपकीपर को देने लगे, उसने कहा कि सर टैक्स भी लग रहा है, आपने सुना भी होगा कई चीजें खरीदते होगे, तो उसने कहा 12% सर टैक्स लगेगा, तो अब टैक्स कितना हो जाएगा, यही कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 12% यानी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई किसका, 13,000 का, जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे टैक्स लगता है ना, उसी का निकालना पड़ता है। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते 12 को 1,560 रुपीज टैक्स है। तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको ये 13,000 प्लस ये टैक्स, ये दोनों पे करने पड़ेंगे। तो टोटल पे पूछा है कितना पे करना पड़ेगा, 13,000 प्लस 1,560, तो 13,000 प्लस 1,000 14,560 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा है कि आप कैसे कोई चीज देखते हो, खरीदते हो, उसका कॉस्ट प्राइस और टैक्स किस तरह से आप ऐड करोगे। इससे पहले उसने सिखाया था डिस्काउंट कैसे माइनस करोगे, अगर कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट निकालो और माइनस कर दो, लेकिन टैक्स प्लस होता है, टैक्स माइनस में होता है, ये कॉमन सेंस की चीजें धीरे धीरे आपको समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन 9,
अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स, पेयर ऑफ स्केट्स, अब दो पैरों के स्केट्स है तो उसे पेयर ऑफ स्केट्स कह दिया, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स तो पेयर ऑफ स्केट्स। एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 20%। इफ द अमाउंट ही पेज, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, कितना पे किया उसने, ₹1600, मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस को लिख लो, लेट मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स। अब आप कर सकते हो, एक्स मार्क्ड प्राइस था, डिस्काउंट 20%, देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल टू 20/100, किसका, मार्क्ड प्राइस का, बच्चे जो रेट दे रखे उसी का डिस्काउंट निकाल देते, उसका नहीं निकालेंगे, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे, टैक्स और डिस्काउंट दोनों ही मार्क्ड प्राइस पे, जो कॉस्ट प्राइस उसकी होती है उसी पे निकलता है। जैसे इसी का 12% इसी का निकाला तो मार्क्ड प्राइस दे नहीं रखा, उसे एक्स मान लो, तो डिस्काउंट उसी का 20% ऑफ एक्स, 20/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5 जा, यानी एक्स अपॉन में 5 आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट इतना है, मार्क्ड प्राइस इतना है। अमाउंट पेड, तो अमाउंट पेड कैसे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो एक्स माइनस एक्स अपॉन में 5 इक्वल टू 1600, जो मार्क प्राइस था उसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे तो ये जो अमाउंट आया ये आपको पे करना पड़ेगा। जैसे ऊपर जो मार्क प्राइस था उसमें टैक्स प्लस करोगे तो पे करना पड़ेगा, सेम वही चीज है, डिस्काउंट माइनस हमने पहले भी डिस्कस किया। माइनस कैसे करेंगे ये हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम लेंगे अपॉन 1 करके, 5 1 जा 5, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 1600, 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 5 इक्वल टू 1600, एक्स इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा 16, 20, तो एक्स इक्वल टू 5 4 जा 20, 20, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस और वाज रुपीज 2000, ये आपका आंसर है, क्लियर है। क्वेश्चन 10, सीन समझने की कोशिश करना। आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, तो कोई उसका है ना मार्क्ड प्राइस था, कोई था हमें नहीं पता, तो एक्स लेट, और उस पे वैट, वैट एक तरह का टैक्स होता है बेटा, वैट 8% उस पे लगा, और देयरफॉर अब उसका जो प्राइस उसको पड़ा पे, जो उसने किया अमाउंट पेड, अमाउंट पेड कितना अमाउंट पे किया, रुपीज 5400।